हम बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव श्री आर के चौधरी से, और उनसे बात करेंगे जो आने वाले लोकसभा चुनाव में महागठबंधन के खिलाफ बिहार में एनडीए का क्या रणनीति है, और उनसे बात करेंगे जो आगे लोकसभा चुनाव में जीतने के लिए कितने सीटों पर और किस किस सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी अपने उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं, और इनसे ये भी बात करेंगे जो लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो रामविलास पासवान हाजीपुर से नहीं चुनाव लड़कर राज्यसभा जा रहे हैं, तो हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा, आइए इनसे हम बात करते हैं आर के चौधरी जी से। चुनाव पे चर्चा करेंगे एवं कल महागठबंधन के द्वारा ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में हुई महारैली पर भी हम बात करेंगे कि उसका इम्पैक्ट बिहार लोकसभा चुनाव पे क्या पड़ेगा, और उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी एवं लोक जनशक्ति पार्टी की जो गठबंधन है वो क्या रणनीति तैयार कर रही है। आज हमारे साथ जुड़े हैं लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव और बिहार खाद्य आयोग के सदस्य श्री आर के चौधरी। सबसे बड़ी बात यह है जो कल विपक्ष के सभी नेता एक मंच पे आए और मतलब वो एक एकता का संदेश दिए, जो कि मतलब एक बिहार चुनाव पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं डिटेल से। देखिए, विपक्ष एक साथ कल एकजुटता दिखाया कलकत्ता में, लेकिन जो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो कितना भी एकजुट हो जाए वो एकजुटता जन कल्याण के लिए नहीं है। वो एकजुटता इसलिए है कि प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के पद से कैसे हटाया जाए और जो 54 साल तक कांग्रेस के शासन में देश को लूटा उसको फिर से कैसे लूटा जाए। आपको एकता दिखा, केजरीवाल, ममता बनर्जी, मोस्ट प्रोबेबली शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, बहुत सारे जितने भी अपने आप को बोल रहे हैं जो हम सेक्युलरिज्म के मतलब हम वो नेता हैं, हम सांप्रदायिक ताकत को रोकेंगे, वो सब नेता एक जगह आए हुए थे। लेकिन आज से कुछ दिन पहले लोजपा और भाजपा दोनों का एक गठबंधन है जो कि पिछले लोकसभा चुनाव में भी था और इस लोकसभा चुनाव में भी है, पहले भी रह चुका है एनडीए के साथ, लोक जनशक्ति पार्टी रह चुकी है एनडीए के साथ, लेकिन आज से कुछ दिन पहले सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेके कुछ खटास आई थी, ऐसा क्यों? नहीं, जहाँ तक पहली बात आपने सांप्रदायिकता की थी, तो सांप्रदायिक पार्टी कौन है इस देश की जनता समझ रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में आया है करीब करीब 5 साल हो रहे हैं। आप बता दीजिए 5 साल में कहाँ सांप्रदायिक घटनाएं घटी, कहाँ मुस्लिम भाइयों को सताया गया, बल्कि उल्टा राष्ट्र को कैसे सुरक्षित रखा जाए, राष्ट्र को कैसे मजबूत किया जाए, इसके लिए प्रधानमंत्री जी दिन रात काम कर रहे हैं। इसलिए सांप्रदायिक सांप्रदायिक करने से कोई सांप्रदायिक नहीं हो जाता, कर्मों को भी देखा जाता है, कार्यकलापों को भी देखा जाता है। तो इस सरकार में कहीं भी अल्पसंख्यकों को कहीं कोई सताया नहीं जा रहा। अब तो लगभग अब जब से 10% स्वर्ण आरक्षणों के लिए वो बिल आया है, संविधान परिवर्तन संशोधन हुआ है, उसके बाद से सभी लोग सामाजिक समरसता में बह गए हैं, कहीं कोई किसी तरह का खटास नहीं रहा। दूसरी बात आपकी लोक जनशक्ति पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी अपना सम्मानजनक सीट मांग रही थी बड़े भाई से, सहयोगी से, भारतीय जनता पार्टी से, और जब सम्मानजनक सीट हमको मिल गया, क्योंकि हम कहना यह चाहते हैं कि पिछले बार हम लोग 7 जगहों पर लोकसभा लड़े थे और 6 में विजय हुई, तो कम से कम जितना हम लड़े थे उतना सीट तो चाहिए, क्योंकि उसके बाद से आज तक लोजपा का ग्राफ लोगों के बीच में बढ़ा ही है, घटा नहीं है। तो हमारा ग्राफ बढ़ रहा है, हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है, हमारी स्वीकारता जनता के बीच बढ़ रही है, तो कुछ सीट कम लेने का क्या सवाल था। इस बात को केंद्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी ने समझा और सम्मानपूर्वक सीट दिया हमको। अब कहीं किसी तरह की कोई बात नहीं है, हम लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, अब विरोधियों को शिकस्त कर देंगे। हैं जो राज्यसभा जाएंगे तो क्या लग रहा है जो चिराग पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, अगर लड़ रहे हैं तो जमुई से, अगर हाजीपुर से लड़ रहे हैं चिराग पासवान चुनाव, तो जमुई से फिर कौन, और जमुई के हार के डर से तो नहीं चिराग पासवान हाजीपुर आ रहे हैं? ये चिराग पासवान जी ने कई संवाददाता सम्मेलनों में प्रेस ब्रीफिंग में स्पष्ट कर दिया है कि हम चुनाव जमुई से ही लड़ेंगे, इसलिए कि जमुई का जो विकास हुआ है
इन 5 वर्षों में, लगभग 5 वर्ष होने जा रहे हैं, आज तक जमुई का इतना बड़ा विकास नहीं हुआ, और उनका न कोई जात है न पात है, उनका एक ही जात है, विकास कैसे हो, विकास की गंगा वहाँ बह गई है। अब जाइए क्षेत्र में, पता लगाइए, मेडिकल कॉलेज का खुलना, जैसे स्टेशनों का सौंदर्यीकरण, कहीं भी कोई जमीन, कोई सड़क नहीं है जो कच्ची सड़क रह गई हो, जगह जगह पे बिजली का पहुंचाना, पीने के पानी की जनता के उपलब्ध कराना, इतना विकास का काम किया है कि उनके वो कहते कि नहीं मैं लड़ूंगा कहीं से लड़ूंगा और जमुई से ही चुनाव जीतूंगा। अच्छा, तो हाजीपुर से फिर कौन लड़ेंगे? हाजीपुर से हमारे जैसा लग रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की हमारे मैडम जो है रीना मैडम, तो रीना पासवान भी लड़ सकती है, लेकिन ऐसा जानकारी मिला है कि उन्होंने चुनाव लड़ने में अपनी रुचि नहीं दिखाई है। मतलब एक हाउस वाइफ हैं और चाहती हैं कि घर में ही रह के हम अपने घर को संभालें, और इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। उस स्थिति में हो सकता है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष सरस्वती कुमार पारस जो वहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं। मतलब ज़्यादा उम्मीद रीना पासवान जी हाजीपुर से चुनाव लड़ने की संभावना है, जैसा कि मतलब पार्टी रणनीति तैयार कर रही है? नहीं लड़ने की संभावना है, रीना पासवान चुनाव नहीं लड़ेगी, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मुझे घर में ही काम करना है। रीना पासवान जी ने स्पष्ट किया है, लेकिन रामविलास पासवान जी का ये है जो वहाँ से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं। ओके सर, एक चीज़ और है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद परिवारवाद का विरोध करते हैं, और हमेशा गांधी परिवार हो या लालू परिवार हो, लालू यादव की RJD हो, हर एक जगह मोदी परिवारवाद के खिलाफ बोलते लग रहे हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव में इस बार लग रहा है क्या इसी तरह, मतलब हर एक सीट पे रामविलास पासवान के पारिवारिक सदस्य ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैंने परिवारवाद को आपको समझना होगा कि परिवारवाद क्या है। परिवारवाद का अर्थ हम यह समझते हैं कि आपका दादा राजनीति में था, बाप राजनीति में था, आप भी राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम उसको परिवारवाद नहीं कहेंगे जहाँ आप राजनीति में हैं और आपका बेटा भी राजनीति में है और परिपक्व राजनीति है, तो वो अनुकंपा नहीं है, उसका वो कॉम्पिटेंस है, उसकी वो योग्यता है। इसलिए ऐसे राजनेता जिनके परिवार के लोग राजनीति में पहले से हैं और अपने आप को विधानसभा में, लोकसभा में आकर अपनी क्षमता जाहिर प्रकट कर चुके हैं, दिखा चुके हैं, उसको हम परिवारवाद नहीं मानते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन सर के हिसाब से जो टैलेंट है तो उनको मौका मिल रहा है। जी जी, जी। सर, आप लोजपा में हैं, इससे पहले आप भारतीय जनता पार्टी में थे, और अभी आप एक बार MLA का भी चुनाव लड़े। सर, लोजपा में आप अपना भविष्य क्या देख रहे हैं, और अगला विधानसभा चुनाव शायद आप हायागढ़ से भी लड़ रहे हैं? निश्चित रूप से चुनाव नतीजों के बाद से हम इस विधानसभा क्षेत्र में लगे हुए हैं, और लगभग 3.5 साल 4.5 साल होने जा रहा है। 4.5 साल में प्रत्येक महीना 10 से 15 बजे अपने सम्मानित जनता के बीच रहना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, जिस कारणवश हम हर एक गांव, टोले, मोहल्ले में एक एक व्यक्ति को जानने लगे हैं, एक एक समाज के लोगों से हमारा संपर्क बन चुका है, और यह दिया है लोक जनशक्ति पार्टी ने मुझे। इसलिए निश्चित रूप से मैं देख पा रहा हूँ कि हमारा भविष्य लोक जनशक्ति पार्टी में ही सुरक्षित है, क्योंकि यह गठबंधन की सरकार है, और लोक जनशक्ति पार्टी हो सकता है विधानसभा 45 सीटों पर लड़े, और हमारे पास तो 2 ही विधायक है अभी, पर 43 तो नए स्थानों पर ही कोई लड़ेगा। अगर हम दरभंगा जिला में हायाघाट चुनाव सीट गठबंधन में मांगते हैं, तो शहर से यह सीट लोजपा को गठबंधन की तरफ से दिया जाएगा, तो गठबंधन का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। और हमको उम्मीद है कि हम जो मेहनत किए हैं, जो हमने अपने आप को साबित किया लोगों के बीच, हमें पार्टी चुनाव हासिल करवाएगी। सर, आप हायाघाट से विधायक का ही क्यों देख रहे हैं? अभी 7 सीटों पर 7 सीट मिला है इनको, तो सर आप लोकसभा के लिए क्यों नहीं प्रयास कर रहे हैं, जो लोकसभा से कहीं पर आप उम्मीदवार हो सके? लोकसभा में हमसे सीनियर लीडर्स हैं हमारे पार्टी में, जो हमने पार्टी के लिए बहुत त्याग किया है, हमें इतना भी लोभी नहीं होना चाहिए कि जिस चीज़ को हम नहीं समझें कि हमें वहाँ जाना चाहिए, उसमें ज़बरदस्ती जाकर के हम उस चीज़ को मांगे। इससे हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो लोग लोकसभा लड़ेंगे, और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन श्री चिराग पासवान जी कहेंगे कि आप चुनाव लड़िए, निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा, सीट मांगूंगा। सर बिल्कुल, इसमें लोग की कोई बात नहीं, इसमें टैलेंट की बात है, और आप में वो टैलेंट है जो आप कहीं भी लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। आप इससे पहले भी बोल रहे हैं, जो टैलेंट के हिसाब से हमारे
लोजपा में टिकट बांटी जाती है, इसी का मैंने पूछा। जो आप शायद समस्तीपुर से कहीं आ सकते हैं लोकसभा चुनाव में या कहीं और से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। समस्तीपुर तो रिजर्व सीट है जी सर, इसलिए मेरा आना तो वहाँ संभव ही नहीं, नहीं है। लेकिन जहाँ कहीं भी हम आ सकते हैं, पार्टी के आला कमान का जो दिशा निर्देश होगा उसका अक्षर से पालन किया जाएगा। मेरे कहने से तो लोकसभा का सीट नहीं मिल जाएगा। पार्टी अगर फील करती है कि लोकसभा में जाना चाहिए, चुनाव लड़ना चाहिए, मैं लड़ूंगा, ये सब उनके ऊपर है। तो ये हमारे साथ अभी आर के चौधरी जुड़े थे, जो इनका कहना है जो फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और लोजपा की जो गठबंधन है वो गठबंधन काफ़ी मजबूत है और आने वाले समय में ये गठबंधन टूटने की कोई संभावना नहीं है। सीट शेयरिंग के लिए एक हमने अपना प्रस्ताव रखा, मजबूत समर्थक होने के नाते हमने बीजेपी के साथ अपना एक प्रस्ताव रखा, जो हमें जो मेरा सम्मानित सीट है वो सम्मानजनक सीट मुझे मिलना चाहिए। कैमरामैन माही के साथ मैं प्रभाशंकर झा, इंडिया स्पीक्स दिल्ली से आर के चौधरी को जुड़ने के लिए धन्यवाद।